जी अब बारी है अवार्ड फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ 97। नॉमिनेशंस जयाली फॉर दीवाने तेरे प्यार के, रीमा खुदा जाने एंड रेशम फॉर फिल्म संगम। वफाकी वज़ीर शेख रशीद साहब से कि वो तशरीफ लाएं स्टेज पे। अवार्ड गोज टू रेशम। मैं शुक्र अदा करती हूँ अपने अल्लाह ताला का, अपने परवरदिगार का। एक आर्टिस्ट के लिए इससे ज़्यादा फ़ख्र की बात क्या हो सकती है कि उसकी परफॉर्मेंस के लिए उसको नेशनल अवार्ड, इतना बड़ा अवार्ड दिया जाए। मैं अपने जूरी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, जिन लोगों ने मुझे इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया, अपने साथी फनकार, अपने टेक्नीशियंस, जिन लोगों ने हर कदम पर मेरी हौसला अफजाई की, क्योंकि ये मेरी पहली फिल्म थी। और मेरे फ़न का सफ़र अगरचे ज़्यादा तवील तो नहीं है, लेकिन इसे रोशन और आसान तर बनाने में जिन लोगों ने मेरी मदद और रहनुमाई की है, मैं उन लोगों का नाम आज ज़रूर लूँगी। मेरी डिज़ाइनर बीजी मुसरत मिसबा, जिन्होंने मेरा मेकअप किया, मिसेज नूर और सैयद नूर साहब का मैं इसलिए शुक्रिया अदा नहीं करूंगी क्योंकि लफ्ज़ हमेशा जज्बों से छोटे पड़ जाते हैं। और ये अवार्ड तो मुझे मिल गया है, लेकिन आइंदा इस अवार्ड के मिलने के बाद मुझे उन तवक्कुआत पर पूरा उतरना है जो इस अवार्ड की सूरत में मुझसे वाबस्ता कर दी गई हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन पर पूरा उतरूँ। ये आप सब लोगों की मोहब्बत है, ये फिल्म इंडस्ट्री ने, ये नाम रेशम मुझे मेरी फिल्म इंडस्ट्री ने दिया है, सब लोगों का प्यार है, और मैं कोशिश करूंगी कि आइंदा भी। मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद रेशम के लिए। थैंक यू वेरी मच। मीरा अच्छे कामों में पैरवी करती हो, तो जैसे मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उसकी भी पैरवी किया करो। नूर साहब की वही बात कि ये अवार्ड रेशम को नहीं, पूरी फिल्म ट्रेड की हीरोइंस को मिला है, और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है, कि इस साल मुझे अवार्ड नहीं मिला। दुख तो है ही, लेकिन खुशी इस चीज़ की है कि मेरे अंदर एक और जज्बा हो गया आगे बढ़ने का, और ज़्यादा कोशिश करूँगी और अगले साल नहीं लेने दूँगी। मैं भी यही कोशिश करूँगी कि आइंदा भी आपको स्टेज पर, मेरी भी यही पूरी कोशिश होगी। और अच्छी बात है कि कंपटीशन होगा तो सब लोग अच्छा काम कर सकेंगे, और हम लोगों में जज्बा होगा कि ये नेशनल अवार्ड कोई और ना ले जा सके, और अच्छी बात। नूर साहब आपको मस्का नहीं है, खुदा लंबी उम्र दे, बहुत ज़िंदगी दे, और बहुत खुश हूँ कि आगे सारी फिल्में नूर साहब की मेरे साथ हैं। रेशम, थैंक यू, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं बहुत खुश हूँ कि रेशम को ये अवार्ड मिला। रेशम मेरी बहुत अच्छी दोस्त, वैसे मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि आइंदा, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री, रीमा हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम है, मीरा है, उन्होंने स्टेज पे आके जिस तरह मुझे वेलकम किया है, मैं बहुत दोनों की शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट साल ये अवार्ड मुझे मिले, इस साल तो नहीं ले सकी। इंशाल्लाह नेक्स्ट अवार्ड मेरा होगा। ओके रीमा, ओके मीरा, आपको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट डांसर। थैंक यू, थैंक यू। ये भी ऑनर है, डांस भी बहुत मुश्किल परफॉर्मेंस है। मुझे तो बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मुझे बेस्ट डांसर का अवार्ड भी मिल जाएगा,
लेकिन जैसे मैं बड़ेपन का हमेशा मुजाहरा करती हूँ, मुझे यकीन था कि ये अवार्ड रेशम को मिलेगा, लेकिन फिर भी उसको विश करने, उसको बहुत सारी दुआएं देने और एक नए जज्बे के साथ मैं इस अवार्ड में आई और इंशाल्लाह हर साल आती रहूँगी क्योंकि मैंने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया, यही मेरे बड़ों ने मुझे सिखाया। थैंक यू। ओके, एक छोटा सा 3 लाइनों की एक बात कहूँगी कि मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। थैंक यू।